सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन। मैं रजत शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। देश विदेश से जुड़ी सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाता और पहुँचाता रहेगा। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है उसको ज्वाइन कर लो, जितने भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है सभी को ज्वाइन करके रखो, ताकि सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके, किसी भी जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। यही हमारा मकसद है और ये हम करते रहेंगे, ताकि समाज सेवा, समाज कल्याण में ऐसे ही चैनल लगा रहे, ऐसे हमारी टीम लगी रहे। आज बात कर लेते हैं, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों ग्रीस से। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया कि टूरिज़्म खोल दिया गया है, और जो लोग ग्रीस जाना चाहते हैं घूमने के लिए, पिछले एक साल से जो लोग घर बैठे हैं, जिनका मन था ग्रीस में घूमने का, वह लोग जा सकते हैं। फ्लाइट्स खोलनी शुरू कर दी हैं, धीरे धीरे यह बड़े लेवल पर खोल देगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ग्रीस की सरकार ने इसलिए खोले कि एक पिछले एक साल के सर्वे में पाया गया कि 2019 में ग्रीस में 33 मिलियन टूरिस्ट पूरे विदेशों से अलग अलग जगह से आया था, और जिसका जो मुनाफा उन्होंने जब कैलकुलेट किया 18 बिलियन यूरो उनके पास इकट्ठा हुआ सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म से। बहुत बड़े आंकड़े हैं ये, तो आप समझ सकते हो टूरिज़्म इंडस्ट्री कितने बड़े लेवल पे जॉब जनरेट करती है, टूरिज़्म इंडस्ट्री का रोल कितने बड़े लेवल पे रहता है जीडीपी को सपोर्ट करने में। तो उसके बाद जब उन्होंने 2020 में दोबारा इस आंकड़ों को अपनाया कि 2020 में क्या सर्वे रहा, तो उन्होंने बताया कि 7 मिलियन टूरिस्ट आया, 7 मिलियन टूरिज़्म यहाँ घूमने आया, और पैसा जो इकट्ठा हुआ 4 बिलियन यूरो पैसा इकट्ठा हुआ, तो बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि टूरिज़्म जब खुलेगा तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और मैं कहता हूँ यह भारत को भी खोलना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में भारत की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सके। जब एक टूरिज़्म जाता है तो होटेलियर्स को जॉब मिलती है, जब एक टूरिज़्म खुलता है टिकट, फ्लाइट टिकट्स वालों का कारोबार चलता है, इससे होटेलियर्स की जॉब्स निकलती हैं भर भर के, और ग्रीस में होटेलियर्स की बड़ी डिमांड है, क्योंकि ग्रीस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गिना जाता है और शेंगेन कंट्री का पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इसका टूरिज़्म पे कितना बड़ा लेवल होगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं वह ग्रीस में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीस की सरकार ने टूरिज़्म खोल दिया है कुछ शर्तों के साथ। शर्त यह रहेगी कि आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, RTPS की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, उसके बाद आप ग्रीस ट्रैवल कीजिए, ग्रीस जा सकते हैं। और 101% मैं वेलकम करना चाहूँगा उन लोगों का जो ग्रीस जाना चाहते हैं, तो जल्दी अप्लाई कीजिए अगर आपका मन है ग्रीस घूमने का, शेंगेन में एंट्री करने का। पिछले एक साल से जो लोग घर बैठे हैं अब शेंगेन वीज़ा दबा के लगेंगे, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, तो तैयारी कर लो, बैकपैक कर लो। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, बने रहिए देश विदेश से जुड़ी लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। जय हिंद, जय भारत।